वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कॉकरोच। बच्चों जो कॉकरोच है एनिमल किंगडम के अंदर एक्चुअल में 11 फाइलम्स आते हैं। एनिमल किंगडम के अंदर टोटल कितने फाइलम आते हैं बच्चों? 11 फाइलम आते हैं, और इन 11 फाइलम में से जो कॉकरोच है वो आता है बच्चों आर्थ्रोपोडा के अंदर। कॉकरोच किस में आता है बच्चों? आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। अब फाइलम के अंदर भी होती है क्लास, तो इसकी जो क्लास है वो है इंसेक्टा। क्या बातें सीखी हमने कि जो कॉकरोच है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आता है। आर्थ्रोपोडा फाइलम में ऐसे एनिमल्स आते हैं विच हैज ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, जिनके हाथों में पैरों में ज्वाइंट्स होते हैं बच्चों, वो ठीक है ना, इंसेक्टा क्लास में आता है। बच्चों अलग अलग कलर के कॉकरोच मिल सकते हैं जिनका साइज जो है 3 इंचेस तक हो सकता है। हैबिटेट की अगर बात करें तो कॉकरोच बच्चों एक नक्चरनल एनिमल है। नक्चरनल का मतलब होता है जो कि रात के टाइम पे एक्टिव रहेगा, रात के टाइम पे अपना फूड कलेक्ट करेगा, रात के टाइम पे मेटिंग करेगा, और दिन में क्या करेगा बच्चों? दिन में रेस्ट करेगा। इनको बोलते हैं नक्चरनल। और बच्चों ये ओमनीवोरस होते हैं। खाने पीने की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं? ओमनीवोरस, यानी कि ये बच्चों वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है, कुछ भी मिल गया उसी को खा जाएंगे, ये ओमनीवोरस होते हैं। बच्चों कॉकरोच सीरियस पेस्ट हैं। कॉकरोचेस क्या हैं? सीरियस पेस्ट। ये बहुत सारी बीमारियों को फैलाते हैं क्योंकि गंदी जगह में रहते हैं, इनके हाथ पैरों से जो भी पैथोजन है वो चिपक जाएंगे। और बच्चों अगर ये कॉकरोच आपके खाने पीने की चीज़ों पे आ जाएं तो आपके खाने पीने की चीज़ों को खराब कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि खाने पीने की चीज़ों को ढक के रखना चाहिए। ओके, तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमने किया कॉकरोच के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी। बच्चों कॉकरोच की जो कॉमन स्पीसीज है उसका नाम है पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। कॉमन जो स्पीसीज है उसे क्या बोलते हैं? पेरीप्लानेटा अमेरिकाना। बच्चों सेगमेंटेड बॉडी होती है कॉकरोच की, यानी कि इसकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। कितने सेगमेंट? मेनली 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है बच्चों, हेड, थोरैक्स, एब्डोमिन। वंस मोर, हेड, थोरैक्स, एब्डोमिन। जैसे कि यहां पे देख सकते हो बच्चों इस डायग्राम के अंदर, एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, दिस पार्ट इज हेड, उसके बाद में ये बच्चों थोरैक्स, और जो ये पीछे वाला पोर्शन है दिस इज एब्डोमिन। ओके बच्चों, इनका जो एग्जोस्केलेटन है, एग्जोस्केलेटन का मतलब एक ऐसी कवरिंग जो इनको अलग अलग तरह के स्ट्रेस से बचाएगा, जो इनको क्लाइमेट से बचाएगा। जैसे अगर हम हमारी बात करें, हमारे अंदर एंडोस्केलेटन है, हड्डियों का एक ढांचा है, एंडोस्केलेटन है बच्चों जो हमारी बॉडी को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। सिमिलरली इनके पास है एग्जोस्केलेटन, बाहर की तरफ प्रेजेंट है, और बच्चों इनका जो एग्जोस्केलेटन है वो बना हुआ है काइटिन का। वेरी वेरी आईएमपी पॉइंट। एग्जोस्केलेटन बच्चों किसका बना हुआ है? इनका एग्जोस्केलेटन काइटिन का बना हुआ है। काइटिन क्या होता है बच्चों? काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट्स जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे, लाइक मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। सो काइटिन इज अ पॉलीसैकेराइड, राइट? ओके बच्चों, ये जो काइटिन है ये कॉन्टिन्यूस ना होकर के प्लेट्स की फॉर्म में है, ठीक है ना? काइटिन की प्लेट्स होती है बच्चों, और काइटिन की इन प्लेट्स को स्क्लेराइट्स बोला जाता है। काइटिन की इन प्लेट्स को क्या बोला जाता है? स्क्लेराइट्स। अब ये जो स्क्लेराइट्स हैं जो ऊपर की तरफ हैं, यानी कि डोर्सल साइड में जो स्क्लेराइट्स प्रेजेंट है उन्हें बोला जाता है ट्रगाइट्स, और जो नीचे की तरफ प्रेजेंट है यानी कि वेंट्रल साइड में जो स्क्लेराइट्स प्रेजेंट है उन्हें बोला जाता है बच्चों स्टर्नाइट्स, ठीक है? ऊपर की तरफ ट्रगाइट्स, नीचे की तरफ स्टर्नाइट्स, और साइड में जो हैं उन्हें बोला जाता है प्लूरा। बच्चों ये सारे की सारी प्लेट्स आपस में ज्वाइंट है। आपस में ज्वाइन करने के लिए ये देखिए एक मेम्ब्रेन यहां पे बनी हुई है। इस मेम्ब्रेन का नाम है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? ओके,
अब बात करते हैं बच्चों हेड की। हेड के अंदर टोटल एक ही सेगमेंट है, राइट। और हेड जो होता है वो ट्राइंगुलर होता है। शेप कैसी है बच्चों? ट्राइंगुलर। हाइपोगनेथस है। हाइपोगनेथस का मतलब क्या है? डायग्राम में देखिए, हाइपोगनेथस का मतलब होता है बच्चों जब जो हेड है उसके अंदर माउथ जो है बच्चों नीचे की तरफ है, ठीक है ना। कंप्लीट बॉडी से जब आप माउथ का ये एक्सिस लेंगे लाइक दिस, तो माउथ जो है वो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड। हाइपो मतलब नीचे, गनेथा मतलब जबड़ा। सो जबड़ा नीचे की तरफ है, माउथ नीचे की तरफ है, सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड हाइपोगनेथस। बच्चों इनका जो हेड है वो सिक्स सेगमेंट्स के फ्यूजन से बनता है। हेड किससे बनता है? छह सेगमेंट आपस में फ्यूज होते हैं तब जाकर के इनका हेड बनता है। हेड के अंदर बच्चों कंपाउंड आईज लगी हुई है, राइट। और इसके अलावा एंटीना इनके पास होता है जिससे ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है ना। माउथ पार्ट्स, बच्चों माउथ पार्ट्स कैसे हैं? बाइटिंग एंड चूइंग टाइप। माउथ पार्ट्स कैसे हैं? बाइटिंग एंड चूइंग टाइप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे कि बच्चों अगर मस्कीटो की बात की जाए, मस्कीटो का माउथ कैसा होता है? सकिंग टाइप, ठीक है ना। क्योंकि वो क्या करता है, वो क्या करता है, सबसे पहले ऐसे छेद करेगा स्किन में और फिर ब्लड को सक कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि माउथ कैसा है? पिर्सिंग एंड सकिंग टाइप। पिर्सिंग यानी कि छेद करने वाला एंड सकिंग टाइप। इनका माउथ कैसा है? बाइटिंग एंड चूइंग टाइप। बाइट करेगा, चबाएगा। बच्चों अपर लिप्स को लेब्रम बोला जाता है, लोअर लिप्स को लेबियम बोला जाता है, ओके। उसके बाद देखिए मैंडिबल, जो कि यू कैन से जबड़े को हम बोलते हैं हमारे केस में, मैंडिबल का भी पेयर होता है, मैक्सिला भी पेयर में प्रेजेंट है। टंग के लिए हम टर्म यूज करते हैं हाइपोफेरिंक्स। टंग के लिए क्या टर्म यूज कर रहे हैं? हाइपोफेरिंक्स, जो बच्चों सलाइवरी एंजाइम्स को सिक्रेट करती है। तो ये हमने हेड के बारे में सीखा। अब आ जाओ बच्चों थोरैक्स पे। देखो बच्चों थोरैक्स को ना हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। उसके बाद में हर थोरैसिक सेगमेंट से बच्चों इनकी लेग्स जो हैं वो इमर्ज हो रही हैं। थ्री पेयर ऑफ लेग्स अराइज फ्रॉम ईच थोरैक्स। मैंने क्या बोला कि हर एक थोरैक्स से, प्रोथोरैक्स से, मीजो से और मेटा से पेयर ऑफ लेग्स जो है वो इमर्ज हो रहा है। डायग्राम में देख लेते हैं हम एक बार। ये देखो बच्चों यहां पे, ये देखो, हियर इज फर्स्ट पेयर, दिस इज सेकंड पेयर, दिस इज थर्ड पेयर, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे ना थोरैक्स से ही निकल रहे हैं, ऐसा मत सोचना एब्डोमेन से निकल रहे हैं डायग्राम, ठीक है ना। ये थोरैक्स से ही कनेक्टेड है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट देयर विंग्स। विंग्स कैसे होते हैं बच्चों? दो तरह के विंग्स होते हैं। जो शुरू वाले विंग्स होते हैं, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स, उन्हें बोला जाता है मीजोथोरेसिक विंग्स। मीजोथोरेसिक विंग जो मीजोथोरेक्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। हमने थोरेक्स के तीन पोर्शन बोले ना बच्चों, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। तो मीजोथोरेक्स से जो कनेक्टेड हैं वो मीजोथोरेसिक विंग्स हैं, जिन्हें हम फोर विंग्स या टैगमिना भी बोल सकते हैं। बच्चों याद रखना, ये जो टैगमिना विंग्स हैं ये उड़ने में काम नहीं देते हैं, ये सिर्फ इसको प्रोटेक्शन देते हैं। जब एक कॉकरोच ना रेस्टिंग स्टेज पे होता है बच्चों, तो ये विंग्स उसको ना ऐसे ढक के रखते हैं ऊपर से, ओके, कवर करके रखते हैं इसके बॉडी को। सो दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। सेकंड पेयर ऑफ विंग्स जो कि मेटाथोरैक्स से निकलते हैं, उन्हें बोला जाता है बच्चों हाइंड विंग्स या मेटाथोरेसिक विंग्स, ओके। ये मेन विंग्स होते हैं जो इसको उड़ने में हेल्प करते हैं। बच्चों ये विंग्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेन के जैसे होते हैं, एंड दे हेल्प इन फ्लाइंग। सो हमने क्या सीखा कि टैगमिना या फोर विंग्स इसको कवर करके रखते हैं, जो कि ओपेक हैं और लेदरी टाइप के से होते हैं, और हाइंड विंग्स इसको एक्चुअल में उड़ने में मदद करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एब्डोमेन। बच्चों एब्डोमेन के अंदर 10 सेगमेंट हैं, ओके। इन 10 सेगमेंट के अंदर अब देखो, अगर मेल की बात की जाए
तो वहाँ पे कुछ अलग तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे। फीमेल के एब्डोमिन के पीछे वाले पोर्शन में कुछ अलग तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे। सबसे पहले ना फीमेल कॉकरोच की अगर बात करें तो सेवंथ स्टर्नम जो है ना बोट शेप्ड होता है, इनका पीछे वाला हिस्सा ना बोट शेप्ड ऐसे है लाइक दिस, ठीक है, बोट शेप्ड। और ये सेवंथ स्टर्नम एट्थ और नाइन्थ स्टर्नम के साथ मिलकर के क्या बनाता है, जेनाइटल पाउच का निर्माण करता है। जेनाइटल पाउच को ही क्या बोल सकते हो, ब्रूड पाउच बोल सकते हो बच्चों। जेनाइटल पाउच के अंदर क्या क्या चीजें हैं, फीमेल के जेनाइटल पाउच के अंदर गोनोपोर है। गोनोपोर क्या होता है बच्चों, गोनोपोर जहां से एग्स निकलेंगे, ठीक है ना। स्पर्मेटिकल पोर जहां से यू कैन से स्पर्म्स निकाले जाएंगे। ये क्या करते हैं, इनके पास एक पाउच होता है बच्चों फीमेल कॉकरोच के पास, जिसके अंदर ये ना मेल कॉकरोच के स्पर्म्स को स्टोर कर लेती है। तो उस स्टोरेज पॉकेट को बोलते हैं स्पर्माथिकी, और उसका जो ओपनिंग है उसे बोलेंगे स्पर्माथिकल पोर। और तीसरा है बच्चों कोलेट्रियल ग्लैंड्स। कोलेट्रियल ग्लैंड्स क्या करती है, ये हम आगे जाकर के सीखेंगे जब हम कॉकरोच का रिप्रोडक्शन वाला पार्ट सीखेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए ये ध्यान रखना है जेनाइटल पाउच में तीन चीजें हैं, गोनोपोर, स्पर्माथिकल पोर एंड कोलेट्रियल ग्लैंड्स। इज इट क्लियर? ओके, ये इसके माउथ पार्ट वगैरह सब दिखा रखे हैं डायग्राम में बच्चों, इनको देख लीजिएगा एक बार। अब आ जाओ मेल कॉकरोच पे। बच्चों मेल कॉकरोच का जो जेनाइटल पाउच है उसमें कुछ अलग तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे कि वहां पे बच्चों डोर्सल साइड में एनस प्रेजेंट है जहां से वो डाइजेस्टिव वेस्ट को निकालेंगे। जेनाइटल पोर प्रेजेंट है जहां से जेनाइटल पोर से गैमेट्स रिलीज करेंगे। और गोनेपोफाइसिस, बच्चों गोनेपोफाइसिस कुछ ऐसे काइटिन के स्ट्रक्चर होते हैं जो इनको रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इज इट क्लियर? सो जेनाइटल पाउच में तीन स्ट्रक्चर हैं, एनस, जेनाइटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस। अब बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आई है बच्चों, मेल और फीमेल कॉकरोच के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आया है। बच्चों मेल कॉकरोच जो होता है, मेल कॉकरोच के पास नाइन्थ सेगमेंट में एक स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं एनाल स्टाइल। एनल स्टाइल, और ये एनल स्टाइल इनको मेटिंग में हेल्प करता है। और ये सिर्फ मेल कॉकरोच के पास होता है बच्चों, एनल स्टाइल फीमेल के पास नहीं होता है। तो आपको याद रखना है कि मेल कॉकरोच ना स्टाइल मारता है, ठीक है ना, ऐसे करके हम याद रख लेंगे। मेल कॉकरोच क्या मारता है बच्चों, स्टाइल मारता है। उसके पास एनल स्टाइल है जो उसे मेटिंग में हेल्प करते हैं। ऑन द अदर हैंड मेल और फीमेल दोनों के पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कॉमन है, दैट इज एनल सरसाई। ये जो एनल सरसाई है ये क्या करते हैं, इसको वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है, इसका मतलब ये सेंसरी पार्ट है, जैसे कि एंटीना की हेल्प से ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बच्चों मॉनिटर कर रहे थे। एनल सरसाई की हेल्प से ये वाइब्रेशंस को मॉनिटर कर रहा है, और एनल स्टाइल की हेल्प से ये मेटिंग करते हैं। एनल सरसाई इज कॉमन इन बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोच, बट एनल स्टाइल सिर्फ किसमें प्रेजेंट है बच्चों, ओनली मेल कॉकरोच के पास प्रेजेंट है। तो बच्चों ये हमने इसका मॉर्फोलॉजी वाला पोर्शन कंप्लीट कर दिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे बच्चों अब कॉकरोच का। देखो बच्चों पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, पूरी ये जो एलिमेंट्री कैनाल है यहां से लेकर के और यहां तक, इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। कौन कौन से थ्री पार्ट हैं, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। बच्चों फोरगट जो है उसके अंदर की तरफ क्यूटिकल की लेयर होती है। क्यूटिकल जो है ना बच्चों एक वैक्सी लेयर होती है। सो कंप्लीट जो फोरगट है इट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। इज इट क्लियर? अब देखिए फोरगट में कौन कौन से पार्ट आते हैं बच्चों। फोरगट के अंदर देखो शुरुआत कहां से हो रही है, माउथ से स्टार्टिंग हो रही है। माउथ से फूड जाएगा फेरिंग्स में, फिर आएगा इसोफेगस, उसके बाद जाएगा फूड क्रॉप के अंदर। बच्चों क्रॉप के अंदर ना फूड स्टोर होता है। वेरी वेरी आईएमपी बहुत बार पूछा गया है कि क्रॉप का क्या काम होता है। क्रॉप का काम होता है फूड को स्टोर करने का, राइट।
स्टोरेज ऑफ फूड। उसके बाद जब नेक्स्ट चैम्बर में जाएगा तो नेक्स्ट चैम्बर को बोलते हैं बच्चों गिजार्ड। यहाँ पे डायग्राम में देखिए, देखो ये बड़ा सा जो चैम्बर है बच्चों, दिस इज क्रॉप, यहाँ पे देखिए दिस इज क्रॉप, और उसके बाद में ये जो नीचे छोटा सा चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है दिस इज गिजार्ड। गिजार्ड के अंदर क्या होता है बच्चों? जो गिजार्ड है, गिजार्ड के अंदर काइटिन के बने हुए ऐसे टिथ हैं लाइक दिस, ठीक है। और वो टिथ क्या करेंगे, जैसे ही फूड आएगा ना तो वो टिथ उसको ऐसे कर करके क्रश कर देंगे। तो बच्चों गिजार्ड का क्या काम होता है, फूड को क्रश करने का, फूड को ग्राइंड करने का काम होता है। और यहाँ पे कितने काइटिन टिथ लगे हुए हैं बच्चों? यहाँ पे 6 काइटिन के टिथ लगे हुए हैं जो ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, ओके। गिजार्ड का ही बच्चों दूसरा नाम है प्रोवेंट्रिक्यूलस। तो माउथ से लेकर के गिजार्ड तक इस पोर्शन को बोलते हैं बच्चों फोरगट। माउथ से लेकर गिजार्ड तक इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, फोरगट। चलिए जी, फोरगट के बाद में अब बच्चों देखो मिडगट शुरू हो गई है, लेकिन गिजार्ड के बाद में और मिडगट से पहले यहां पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस स्ट्रक्चर का नाम है बच्चों हिपेटिक सीका, या फिर गैस्ट्रिक सीका भी आप इसे बोल सकते हो। तो ये हिपेटिक सीका का क्या काम होता है बच्चों? हिपेटिक सीका है ना, ऐसे ट्यूब्स होती है, 6 to 8 ट्यूब्स होती है जो कि डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है। इस ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रेट करती है। डायग्राम में देखिए, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों गिजार्ड के जस्ट नीचे आपको ये ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं, दिस ट्यूब्स आर हिपेटिक सीका जो मिडगट के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ रही हैं ताकि डाइजेशन की प्रोसेस वहां पे हो सके, ओके। मिडगट का ही दूसरा नाम है मेसेंटेरॉन। मिडगट का ही दूसरा नाम क्या बच्चों? मेसेंटेरॉन। और उसके बाद फूड आगे जाएगा हाइंडगट में जाएगा। मिडगट और हाइंडगट के बीच में भी एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है बच्चों, जिसे बोलते हैं मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। फोरगट और मिडगट के बीच में क्या था, वो जो ट्यूब्यूल्स थे उन्हें हमने क्या बोला था, गैस्ट्रिक सीका या हिपेटिक सीका। यहां पे मिडगट और हाइंडगट के बीच में जो ट्यूब्यूल्स हैं ये है बच्चों मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। और बच्चों मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स जो हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, नंबर भी बहुत ज्यादा है इनका उनके कंपैरिजन में, ठीक है ना। वो तो 6 to 8 ट्यूब्यूल्स थे, लेकिन बच्चों इनका नंबर देखिए कितना है, 100 to 150 थिन फिलामेंट्स, सो नंबर इज वेरी हाई। सो दीज ये येलो कलर के होते हैं बच्चों, और इनका काम क्या होता है, ये बच्चों एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब ये क्या करेंगे, इनके आसपास जो फ्लूड होता है, जो हीमोलिम्फ होता है, उससे वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करके और इंटेस्टाइन में डाल देंगे, और वहाँ से फिर बॉडी के साथ साथ बॉडी वेस्ट के साथ साथ इनका जो यू कैन से नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो भी निकल जाएगा बाहर। तो बच्चों एक्सक्रीशन में कौन हेल्प करता है, मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। ये देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स। उसके बाद बच्चों हाइंडगट स्टार्ट हो जाती है। हाइंडगट का पहला पार्ट है इलियम, उसके बाद ये लंबी सी और काफी वाइड ट्यूब दिस इज कोलोन, और उसके बाद में थर्ड पार्ट इज रेक्टम। रेक्टम के बाद बच्चों एनस से जो भी डाइजेस्टिव वेस्ट होगा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। सो दिस इज हाउ इनका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। आई होप कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए बच्चों अब बात करते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की, इनके ब्लड वाले सिस्टम की अब हम बात कर लेते हैं। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है। कैसा है बच्चों? ओपन टाइप। ओपन टाइप का मतलब क्या है कि ब्लड जो है ब्लड वेसल से बाहर निकल आएगा, ओपन स्पेस में निकल आएगा बच्चों, इसीलिए इसको बोलते हैं ओपन टाइप। क्लोज टाइप में क्या होता है बच्चों, ब्लड जो है वो कभी भी ब्लड वेसल से बाहर निकल के नहीं आता है, इसीलिए उसे क्लोज टाइप बोलते हैं। लेकिन यहां पे ब्लड इन ब्लड वेसल से देखो जैसे कि ना ये एओर्टा है, ठीक है, यहां से ब्लड जो है ऐसे बाहर निकल के आ जाएगा, इस ओपन स्पेस में आ जाएगा बच्चों यहां पे लाइक दिस। हार्ट आप देख सकते हो, ये देखो लंबी सी ट्यूब के ऊपर ट्यूब ये आपको दिखाई दे रही है, फनल दिखाई दे रही है, एक फनल उसके बाद दूसरी फनल तीसरी फनल ऐसे करके। तो बच्चों टोटल ऐसे करके 13 चैम्बर बनते हैं हार्ट के। सो हार्ट इज ट्यूबुलर, ट्यूब शेप में है, 13 चैम्बर हार्ट है बच्चों जो कि न्यूरोजेनिक है। बच्चों हार्ट मायोजेनिक भी हो सकता है,
न्यूरोजेनिक भी हो सकता है। जैसे कि हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब है बच्चों जब मसल्स सिग्नल भेजती है कॉन्ट्रैक्शन का। जैसे हमारे हार्ट में SA नोड विच इज अ मॉडिफाइड मसल सिग्नल भेजेगा कॉन्ट्रैक्शन का। यहां पे बच्चों कोई मसल सिग्नल नहीं भेज रही है कॉन्ट्रैक्शन का, यहां पे सिग्नल भेजते हैं न्यूरॉन्स। और जब न्यूरॉन सिग्नल भेजता है हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ऐसे हार्ट को बोला जाता है बच्चों न्यूरोजेनिक हार्ट। जब हार्ट की मसल्स खुद सिग्नल प्रोड्यूस करती है तो उसे बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। ओके, तो इनका हार्ट कैसा बच्चों? न्यूरोजेनिक हार्ट है। बच्चों हार्ट के साइड में छोटी छोटी ओपनिंग्स होंगी जिन्हें ओस्टिया बोला जाता है, जहां से ये क्या करेंगे, ब्लड को अंदर की तरफ कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये जो हार्ट के फनल्स हैं, फनल्स के नीचे की तरफ छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं जहां से ब्लड जो है इनके अंदर एंटर करेगा और फिल हो जाएगा। बच्चों डायग्राम में देखिए आप, यहां पे आपको ये देखिए ये क्या दिखाई दे रही है, दीज आर मसल्स लाइक दिस। ठीक है, ये मसल्स बच्चों हार्ट के चैम्बर्स को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। इन मसल्स को बोलते हैं एलारी मसल्स। अगेन इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा जा सकता है कि हार्ट के चैम्बर्स को कॉन्ट्रैक्शन में कौन हेल्प करता है, एलारी मसल्स। ओके, बच्चों हार्ट जो है पोस्टीरियो एंटीरियर कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, यानी कि सबसे पहले सबसे नीचे वाला चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर उससे ऊपर वाला, फिर उससे ऊपर वाला, फिर सबसे ऊपर वाला। तो नीचे से ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन की जो रिदम है वो बढ़ रही है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन को बोला जाता है पोस्टीरियो एंटीरियर। क्या बोलते हैं बच्चों? पोस्टीरियो एंटीरियर कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट के चैम्बर्स हमने देख लिए फनल शेप्ड के होते हैं, और बच्चों ब्लड वेसल्स अच्छे से डेवलप नहीं है। सो आई रोट ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड। अब बात करें इनके ब्लड के बारे में, ब्लड को हीमोलिम्फ भी बोल सकते हो। ब्लड का ही दूसरा नाम क्या बच्चों? हीमोलिम्फ। और इनका जो ब्लड है उसमें कोई कलर नहीं होता, सो इट इज कलरलेस, राइट। ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें हैं? ब्लड में प्रेजेंट है बच्चों प्लाज्मा एंड कुछ ब्लड सेल्स लाइक WBCs, RBC वगैरह इनके ब्लड में नहीं होते हैं, सिर्फ WBCs प्रेजेंट है और प्लाज्मा प्रेजेंट है। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? चलिए जी, सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों इनके अंदर जो यू कैन से रेस्पिरेशन के लिए ना ट्यूब्स का एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। ट्यूब्स के उस नेटवर्क को जो कि ट्रैक आप कह सकते हो ट्रैकिया का एक नेटवर्क बना हुआ है, और ट्रैकिया आगे जाकर के डिवाइड हो जाती है ट्रैकियोल में। ये बच्चों कुछ ऐसा है, मान लीजिए कॉकरोच के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मान लो बच्चों ट्रैकिया है, ठीक है। अब ट्रैकिया से और थिन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगी, इन्हें बोलेंगे ट्रैकियोल। इज इट क्लियर? दिस इज ट्रैकिया, दीज आर ट्रैकियोल्स। और ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है बाहर की तरफ, इस ओपनिंग को बोला जाता है बच्चों स्पायरिकल। ओपनिंग को क्या बोला जाता है? स्पायरिकल। सो स्पायरिकल्स आर द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया आउटसाइड। और कितने स्पायरिकल्स होते हैं बच्चों? स्पायरिकल्स आर टोटली 10 पेयर्स। ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखना है रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया से ट्रैकियोल्स बनते हैं, और उन ट्रैकियोल्स से ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली टिश्यूज को ट्रांसफर हो रही है। और कैसे टिश्यू तक कैसे पहुंच रही है? बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चों? जब कोई सब्सटेंस, कोई गैस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाती है, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। तो गैसेस का जो ट्रांसफर हो रहा है वो बाय डिफ्यूजन हो रहा है। आई होप कि रेस्पिरेटरी सिस्टम तक सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम सीखेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में।
देखो बच्चों, इनके पास जो एक्सक्रीशन के लिए मेन पार्ट होता है वो है मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आपको दिखाया कि मिडगट और हाइंड गट के बीच में जहां पे ये दोनों ज्वाइन करते हैं, बीच में बच्चों वो जो थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स थे 100 टू यू कैन से 150, उनको मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। और वही मैलपिजियन ट्यूब्यूल नाइट्रोजनस वेस्ट को निकलवा देते हैं। जैसे बच्चों हमारे पास क्या है, हमारे पास किडनी है एक्सक्रीशन के लिए, और किडनी के अंदर जो मेन यूनिट्स है वो है नेफ्रोन जो हमें एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। इनके पास है मैलपिजियन ट्यूब्यूल्स। मैलपिजियन ट्यूब्यूल के अंदर बच्चों ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल्स लगी हुई है। मैलपिजियन ट्यूब्यूल क्या करते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करेंगे और उसे कन्वर्ट कर देंगे यूरिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर देंगे बच्चों, यूरिक एसिड में। और उसके बाद इस यूरिक एसिड को हाइंड गट में पहुंचा दिया जाता है और फिर बच्चों ये यूरिक एसिड एनस के जरिए बाहर निकल जाता है। इज इट क्लियर? तो क्योंकि ये यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं, इन्हें यूरिकोटेलिक एनिमल्स बोला जाता है। हम मेनली यूरिया बाहर निकालते हैं, वी आर यूरियोटेलिक, बट बच्चों ये क्या है, ये यूरिकोटेलिक हैं, ये यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी आईएमपी थिंग। इसके अलावा मैलपिजियन ट्यूब्यूल के अलावा भी बच्चों इनके पास में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी हेल्प से ये नाइट्रोजनस वेस्ट को निकाल सकते हैं, जैसे कि फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स, यूरिकोज ग्लैंड्स, दीज आर अदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। इज इट क्लियर? एक्सक्रेटरी सिस्टम के बाद नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। बच्चों कॉकरोच के बारे में आपने एक बात सुनी होगी कि अगर कॉकरोच की गर्दन भी काट दी जाए ना तो अभी वो एक हफ्ते तक जिंदा रह सकता है। ये बिल्कुल सच बात है बच्चों, ऐसा ही होता है। और इसका रीजन ये है कि कॉकरोच का जो यू कैन से नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम सिर्फ इस हेड वाले पोर्शन में ना होकर के वो नीचे की तरफ भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसका जो मेन नर्वस सिस्टम है वो ना सिर्फ हेड में है बल्कि इसके वेंट्रल साइड में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसीलिए बच्चों गर्दन कटने के बाद भी ये कई दिनों तक रह सकता है, बट क्योंकि गर्दन कट चुके तो ये फूड को ढंग से ले नहीं पाएगा, चबा नहीं पाएगा, ठीक है ना, फूड को फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, तो एक हफ्ते के बाद इसकी डेथ हो जाती है। इसके नर्वस सिस्टम के अंदर आपको क्या दिखाई देंगे, सीरीज ऑफ सेगमेंटली अरेंज्ड गैंगलिया। हर सेगमेंट के अंदर आपको बच्चों गैंगलिया दिखेंगे, ठीक है ना। व्हाट गैंगलिया क्या होते हैं बच्चों, नर्वस सिस्टम में भी सिखाया था मैंने, गैंगलिया बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज को। न्यूरॉन के अंदर जो सेल बॉडी वाला पार्ट होता है ना, तो अगर मैं बोलूं ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इज कॉल्ड गैंगलिया। तो हर वेंट्रल साइड में यानी कि नीचे की तरफ बच्चों गैंगलिया आपको दिखाई देंगे। गैंगलिया आर जॉइंट बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स। सो ये कुछ ऐसे हैं, मान लो कॉकरोच के केस में यहां पे आपको ऐसे दीज आर गैंगलिया, सेगमेंटली अरेंज्ड गैंगलिया, और ये आपस में ऐसे कनेक्टेड हैं लाइक दिस। इनको बोलते हैं कनेक्टिव्स, ओके। ये देखो यहां पे लिखा ना पेयर्ड कनेक्टिव, तो देखो मैंने पेयर्ड कनेक्टिव्स बनाए हैं जो गैंगलिया को आपस में जोड़ रहे हैं। सुपरा इसोफेजियल गैंगलियन इज कॉल्ड ब्रेन, जो कि एंटीना और कंपाउंड आइज को नर्व सप्लाई करता है। तो इसके ब्रेन को हम, इसका ब्रेन किसे मानते हैं, सुपरा इसोफेजियल गैंगलियन को। ये कहां पे होगा बच्चों, इसोफेगस के ऊपर की साइड। मान लो बच्चों ये इसकी इसोफेगस है और बाकी के पार्ट्स हैं, तो इसोफेगस के ऊपर की साइड में ऐसे करके, इसोफेगस के ऊपर की साइड में क्या प्रेजेंट है, सुपरा इसोफेजियल गैंग्लियन। तो वो जो सुपरा इसोफेजियल गैंग्लियन है उससे ये ऐसे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है।
थोरेक्स के अंदर बच्चों 3 गैंगलिया प्रेजेंट है, एब्डोमिन के अंदर 6 गैंगलिया प्रेजेंट है। तो यहां पे मैंने जो बनाए हैं ये कोई नंबर वंबर काउंट नहीं किया, जस्ट ऐसे ही सिंपली आपको बस समझाना था कि ये मैंने जो डॉट लगाए हैं दीज आर गैंगलिया, और इनके बीच में जो ये दो कनेक्शन दिखाए हैं दीज आर कनेक्टिव। चलिए जी, नर्वस सिस्टम हो गया हमारा डन। बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूं, सुपरा इसोफेजियल, सुपरा का मतलब ऊपर की तरफ, इसोफेजियल, इसोफेगस के ऊपर एक गैंगलियन है, तो मैंने इसोफेगस के ऊपर यहां पे एक गैंगलियन दिखाया, यही इनका ब्रेन है। इज इट क्लियर टू यू? ओके बच्चों, पीडीएफ भिजवा दूंगा मैं। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं इनकी आई की। जब मैंने मॉर्फोलॉजी सिखाई तो मैंने आपको बताया कि बच्चों इनके पास कंपाउंड आईज होती है, ठीक है ना। अब कंपाउंड आईज में क्या खास बात है, कंपाउंड आईज के अंदर बच्चों छोटी छोटी यूनिट्स लगी हुई है। जैसे कि अगर मैं यहां पे डायग्राम बनाऊं आई का, मान लो ये आई है, तो इस आई के अंदर बच्चों ऐसे ना छोटी छोटी यूनिट्स लगी हुई है, इन यूनिट्स को बोला जाता है ओमाटीडियम। इन यूनिट्स को क्या बोला जाता है बच्चों, ओमाटीडियम। और बच्चों ऐसी कितनी ओमाटीडियम है, ऐसे 2000 हेक्सागोनल यूनिट्स लगी हुई है, 2000 ओमाटीडियम लगे हुए हैं। बच्चों ये जो ओमाटीडियम है ना, ये बहुत सारी यू कैन से इमेजेस को इकट्ठा करते हैं। इसका ये मतलब है कि ना एक सिंगल इमेज नहीं लेते। अब जैसे मान लो हम जब किसी चीज को देख रहे हैं तो हमें वो चीज एक ही इमेज में दिखाई दे रही है, ठीक है ना। इनको टुकड़ों में दिखाई देती है कोई भी चीज। मान लो बच्चों इनके सामने आप जाओगे तो आप इनको टुकड़ों में दिखाई दोगे। आपने वो गेम भी खेला होगा पजल वाला, जिसमें यू कैन से आंखें अलग होती है, नाक अलग है, ठीक है ना, बाल अलग है, उनको जोड़ करके पूरी इमेज बनाई जाती है, ठीक है ना। तो जब टुकड़ों में इमेज दिखाई देती है, सच विजन इज कॉल्ड मोजाइक विजन, सच विजन इज कॉल्ड मोजाइक विजन। अब मोजाइक विजन बच्चों सेंसिटिव तो बहुत होता है लेकिन रेजोल्यूशन कम है। इसका क्या मतलब हुआ कि सेंसिटिव तो है, जैसे ही कोई सामने गया इनको तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन रेजोल्यूशन कम है, यानी कि साफ दिखाई नहीं देगा। क्योंकि रेजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा इमेज उतनी ज्यादा क्लियर दिखाई देती है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जब आप यूट्यूब पर वीडियो देखते हो तो आप क्या करते हो, आप उसका है ना रेजोल्यूशन चेंज करते हो, राइट। आप क्लिक करते हो 360 पे, ठीक है, और नेट जब फ्री का मिल जाए 480 पे चलाओगे, 720 पे चलाओगे, ऐसा होता है। तो बच्चों जैसे जैसे आप ना पिक्सल उसका रेजोल्यूशन बढ़ा रहे हो, 360 से 480, 720 और फिर यू कैन से 1080, 1080 पिक्सल पे चलाते हो, तो ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको इमेज दिखाई देती है, रेजोल्यूशन आपने बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि रेजोल्यूशन बहुत कम है, यानी कि इनको धुंधला दिखाई देता है, ब्लर दिखाई देता है और टुकड़ों में दिखाई देता है। कंसेप्ट क्लियर है, यस और नो? ओके, सो आई के बारे में बात की हमने, उसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। अर्थवर्म जो है बच्चों, सॉरी कॉकरोच ही चल रहा है, मुंह से अर्थवर्म निकल गया शायद। अब देखो बच्चों, कॉकरोच जो है वो डायोशियस है। डायोशियस का मतलब ये होता है कि मेल अलग होंगे फीमेल अलग होंगे, मेल कॉकरोच अलग होगा फीमेल कॉकरोच अलग होगा, डायोशियस। इनके जो टेस्टिस है वो कहां पे प्रेजेंट है, 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में इनके टेस्टिस प्रेजेंट है। तो एक बार डायग्राम में देख लेते हैं बच्चों, ये देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहां पे देखिए ये है टेस्टिस, और ये टेस्टिस कहां प्रेजेंट है, 4th to 6th सेगमेंट में प्रेजेंट है। उसके बाद टेस्टिस से हमें पता है टेस्टिस स्पर्म रिलीज करते हैं। स्पर्म बच्चों ये जो डक्ट है, दिस इज वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस से होते हुए यहां पे ज्वाइन करेंगे इस बीच वाले हिस्से में। ये जो आपको दिखाया हुआ है ये ग्लैंड है बच्चों, कौन सी ग्लैंड है, इसे बोलते हैं मशरूम ग्लैंड। इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मशरूम ग्लैंड। बच्चों मशरूम ग्लैंड के अंदर है ना 3 मेजर पोर्शंस है। मशरूम ग्लैंड के वो 3 मेजर पोर्शन कौन कौन से हैं, स्मॉल ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स
एंड सेमिनल वेसिकल, स्मॉल ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स एंड सेमिनल वेसिकल। बच्चों स्मॉल ट्यूब्यूल और लॉन्ग ट्यूब्यूल क्या करते हैं, जब स्पर्म्स यहाँ पे पहुँचेंगे तो ये दोनों ट्यूब्यूल्स स्पर्म के बाहर ना एक पैकेट बना देते हैं, स्पर्म्स को कवर कर देते हैं, ठीक है ना। सो इनका सिक्रेशन स्पर्म पैकेट बना रहा है। उसके बाद में सेमिनल वेसिकल क्या करता है, सेमिनल वेसिकल का काम होता है स्पर्म्स को स्टोर करने का। स्पर्म्स को स्टोर कौन करता है, सेमिनल वेसिकल। और स्टोर करने के बाद में वहां पे बच्चों स्पर्म्स को चिपका भी दिया जाता है, ठीक है ना। इसके जो सिक्रेशंस होते हैं स्पर्म को आपस में ग्लू कर देते हैं, चिपका देते हैं, और एक पूरा अच्छे से वेल डेवलप्ड स्पर्म पैकेट बन जाता है। स्पर्म पैकेट को बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। स्पर्म पैकेट को क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्मेटोफोर। सो फाइनली उसके बाद में देखो ये वाली जो डक्ट है येलो कलर से जो आपको दिख रही है, दिस इज इजेकुलेटरी डक्ट। इजेकुलेटरी डक्ट से होते हुए बच्चों ये जो स्पर्म पैकेट्स हैं ये रिलीज किए जाएंगे, और इसकी ओपनिंग को बोलते हैं मेल गोनोपोर। ओपनिंग को क्या बोलते हैं बच्चों, मेल गोनोपोर। तो मेल गोनोपोर से स्पर्म पैकेट्स को रिलीज कर दिया जाएगा। अब एक चीज नोटिस करो बच्चों, देखो पीछे की तरफ भी आपको एक ग्लैंड दिखाई दे रही होगी, यहां पे ये देखिए, ये जो पीछे की तरफ ग्लैंड है ये मशरूम ग्लैंड का पार्ट नहीं है, प्लीज नोट रखें इसे। ये जो पीछे की तरफ है ये मशरूम ग्लैंड का पार्ट नहीं है, इसका नाम है बच्चों फैलिक ग्लैंड। और फैलिक ग्लैंड की जो डक्ट होती है ना वो पीछे से आ रही है घूम के, तो इसीलिए हमें यहां पे विजिबल नहीं है। और ये देखो ये आ रही है, ये वाली जो है साइड वाली, ये वाली, तो ये जो डक्ट है बच्चों ये फैलिक ग्लैंड की डक्ट है। फैलिक ग्लैंड की डक्ट क्या करती है, एक ऐसा सिक्रेशन बन छोड़ेगी जो स्पर्म पैकेट्स के ऊपर फाइनल कवरिंग बनाएगा। स्पर्म पैकेट्स जो स्पर्मेटोफोर हैं उनके ऊपर फाइनल कवरिंग किसने बनाई, फैलिक ग्लैंड ने। तो फाइनली क्या तैयार हो चुके हैं, स्पर्म पैकेट्स अब रेडी हो चुके हैं और वो बच्चों बाहर निकल रहे हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया किसे बोलते हैं, जैसे कि बच्चों मेल के केस में पेनिस को एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोला जाता है, सिमिलरली यहां पे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया बोला जाता है मेल गोनेपोफाइसिस को। मेल गोनेपोफाइसिस में यहां पे हम बात करते हैं फेलोमियर्स की। तो बच्चों तीन तरह के फेलोमियर्स हैं, राइट फेलोमियर, लेफ्ट फेलोमियर एंड वेंट्रल फेलोमियर। तो बस इतना याद रख लेना, ज्यादा यहां पे दिमाग का दही करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज कॉल्ड मेल गोनेपोफाइसिस, जहां पे टोटल फेलोमियर्स कितने हैं, देयर आर टोटल 3 फेलोमियर्स, दैट्स इट। इनके अलावा दो और स्ट्रक्चर हैं बच्चों, वन इज स्यूडोपेनिस, अनदर इज टाइटिलेटर। स्यूडोपेनिस क्या करता है, स्यूडोपेनिस की हेल्प से मेल कॉकरोच जो है फीमेल कॉकरोच का बच्चों लॉक करके रखता है, ठीक है ना, ताकि वो अच्छे से मेटिंग कर सके। और टाइटिलेटर क्या करता है, टाइटिलेटर की हेल्प से मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच को स्टिमुलेट करता है ताकि मेटिंग प्रोसेस इजी हो सके। सो दो बातें बताई, स्यूडोपेनिस लॉक करने में हेल्प करता है, टाइटिलेटर फीमेल कॉकरोच को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। तो यहां पे हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों कंप्लीट हो जाता है। इज इट क्लियर टू यू? नाउ वी आर ऑन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या है बच्चों, ओवरी है, और ओवरी 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल से मिलकर के बनी हुई है। ओवरी किससे मिलकर के बनी हुई है, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल से मिलकर के बनी हुई है। इसके अंदर हमें ओवा दिखेंगे जो कि डेवलप हो रहे हैं, और ओवा एक चेन लाइक फैशन में हमें दिखाई देते हैं। एक बार डायग्राम में देख लेते हैं ताकि हमें चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएं। ये देखिए ये वाला डायग्राम देखो, ये बच्चों दो ओवरी है, दिस इज वन ओवरी, दिस इज अनदर ओवरी,
और ओवरी के अंदर आपको ऐसे लाइन दिखाई दे रही है, तो ये लाइन अलग अलग कंपार्टमेंट को डिनोट कर रही है जिन्हें हम बोलते हैं ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। तो दोनों में टोटल 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स हैं। उसके बाद ओवरी के आगे ये जो डक्ट है, दिस इज कॉल्ड ओवी डक्ट, दिस डक्ट इज ओवी डक्ट। दोनों तरफ की ओवी डक्ट बच्चों जब ज्वाइन कर जाती है, ये देखिए यहां पे ऐसे ज्वाइन कर गई है, ज्वाइन करने के बाद इसे हम बोलेंगे कॉमन ओवी डक्ट या फिर वजाइना। तो मैंने तीन बातें सिखाई, ये जो बड़े बड़े जो दो सींग दिखाई दे रहे हैं आपको, दिस इज ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है ओवेरियन ट्यूब्यूल्स। उसके बाद ये जब आगे ऐसे फ्यूज ऐसे ये जो स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, दीज आर ओविडक्ट, ओविडक्ट आपस में मिलके फ्यूज होके कॉमन ट्यूब बना रही है बच्चों ये वाली, इस कॉमन ट्यूब को क्या बोलते हैं वजाइना या फिर कॉमन ओविडक्ट, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे देखो एक पाउच आपको दिखाई दे रहा होगा, लेट मी चेंज द कलर टू सी इट, सी दिस मोर क्लियरली। ये देखो बच्चों ये एक स्ट्रक्चर है, यहां पे एक तरह का ना आपको पैकेट सा दिखाई दे रहा है, यहां पे ये है बच्चों स्पर्माथिका। स्पर्माथिका का क्या काम होता है बच्चों, ये स्पर्म्स को स्टोर करता है, ठीक है ना। फीमेल कॉकरोच के पास में है, तो कंफ्यूज मत हो जाना कहीं एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे कि स्पर्माथिका किसके पास होता है और स्पर्माथिका से आपको लगेगा स्पर्म मतलब मेल कॉकरोच। नो, स्पर्माथिका फीमेल कॉकरोच के पास में प्रेजेंट है और इस पाउच का काम होता है स्पर्म्स को स्टोर करके रखना। मेल कॉकरोच जब स्पर्म रिलीज करेगा, यहां पे फीमेल कॉकरोच उनको स्टोर करके रख लेगी, और जब फीमेल कॉकरोच के एग रेडी हो जाएंगे तो फीमेल कॉकरोच अपनी मर्जी से इन स्पर्म्स को और एग को रिलीज करवाएगी और दोनों मिलकर के फ्यूज हो जाएंगे, मेल और फीमेल गैमेट मिलकर फ्यूज हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो बच्चों ये पार्ट कौन सा दिखाया मैंने, मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया यही वाला, ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको मैंने थोड़ा सा जूम करके बना दिया ताकि चीजें हम समझ सके। ये है वजाइना, तो यहां से क्या आ रहे हैं एग आ रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, एग आ रहे हैं लाइक दिस, और वो एग यहां पे रिलीज हो गए। तो मान लो ये एग रिलीज हो गया और जो ये पाउच है स्पर्माथिका, वो पाउच इस एग के ऊपर क्या रिलीज कर देगा, स्पर्म को रिलीज कर देगा, राइट। स्पर्म और एग ये दोनों का फ्यूजन कहां पे होगा, जेनाइटल चैम्बर में। ये जो एरिया है बच्चों, दिस एरिया इज जेनाइटल चैम्बर, और ये जो डार्क सा एरिया मैंने दिखा रखा है, दिस डार्क एरिया इज वेस्टिब्यूलम। बच्चों जेनाइटल चैम्बर और वेस्टिब्यूलम दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, दे आर मेकिंग जेनाइटल पाउच। सो ये दिस इज जेनाइटल चैम्बर, दिस इज वेस्टिब्यूलम, दोनों मिलके क्या बन गया, जेनाइटल पाउच। अगेन जेनाइटल चैम्बर में क्या हो रहा है, ऊपर से एग आए और स्पर्माथिका ये जो पाउच था यहां से स्पर्म आए, दोनों का हो गया फ्यूजन, ठीक है ना। स्पर्म पैकेट यहां पे रिलीज कर दिए गए और फ्यूजन के बाद में बच्चों ये जो देखो, ये देखो यहां पे आपको एक खास तरह की ग्लैंड दिखाई दे रही है, कोलेट्रियल ग्लैंड। ये कोलेट्रियल ग्लैंड क्या करती है, कोलेट्रियल ग्लैंड बच्चों इनके ऊपर जब ये फ्यूजन हो रहा है, इनके ऊपर ना एक सिक्रेशन रिलीज करेगी और उनको ये जो आपका फर्टिलाइज्ड एग्स हैं इनको कैप्चर कर देगी उस सिक्रेशन के अंदर। तो ये फर्टिलाइज्ड एग है बच्चों, ये सिक्रेशन के कारण ऐसे कवर हो जाएंगे लाइक दिस। ये जो पाउच बनेगा जिसके अंदर ये फर्टिलाइज्ड एग है, इनको बोला जाता है बच्चों ऊथिका। ये देखिए ऊथिका को रिलीज किया जा रहा है। ऊथिका क्या है, ऊथिका ऐसे पाउच है जिसमें फर्टिलाइज्ड एग्स हैं। तो यहां पे ना फर्टिलाइज्ड एग्स को रिलीज किया जा रहा है। सो हियर यू कैन सी दीज आर ऊथिका हैविंग फर्टिलाइज्ड एग्स। फीमेल कॉकरोच बच्चों जहाँ पे भी इसको कोई ऐसी जगह मिलेगी, मॉइस्चर वाली जगह मिलेगी या कोई मान लो कहीं पे कोई दरार है वहाँ पे डाल देगी, जहाँ से जहाँ पे इसके ये जो एग्स हैं वो सुरक्षित भी रहें और मॉइस्चर वगैरह उनको मिलता रहे, और जब इनके अंदर से बेबी कॉकरोच निकले तो उनको आसपास न्यूट्रिशन या फूड सोर्स भी हो, वहाँ पे खाना वाना इनको आसपास ही मिल जाए, ठीक है ना।
तो ये पॉइंट्स मैंने आपको सिखा दिए। देखिए फीमेल कितने उथिका प्रोड्यूस करती है, फीमेल 10 उथिका प्रोड्यूस करती है, उथिका के अंदर फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, एक उथिका के अंदर 14-16 एग्स रहेंगे, अगर इनका फर्टिलाइजेशन हो गया तो यानी कि एक उथिका के अंदर 14-16 फर्टिलाइज्ड एग्स होंगे। बच्चों कॉकरोच की जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट है पारोमेटाबोलस। पारोमेटाबोलस का मतलब क्या होता है कि एक कॉकरोच जो है वो धीरे धीरे बहुत सारी चेंजेस कर रहा है, ठीक है ना, उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं इस और ये चेंजेस है ना बहुत टाइम तक चलेंगे, ठीक है ना, लगभग 13 टाइम्स ये चेंजेस किए जाएंगे, इनको बोला जाएगा, मैं बोल रहा हूं कि 13 टाइम्स मोल्टिंग कर रहा है ये, 13 टाइम्स क्या कर रहा है, मोल्टिंग, और इस मोल्टिंग करने के प्रोसेस को ही, ओवरऑल प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, पारो मेटाबोलस, ठीक है। बेबी कॉकरोच जो होते हैं बच्चों, बेबी कॉकरोच को निम्फ बोला जाता है, निम्फ। सो इन दिस वे ये मोल्टिंग कर रहे हैं, एंड आई टोल्ड यू कितने बार मोल्टिंग करेगा, 13 बार मोल्टिंग करेगा, 13 टाइम्स मोल्टिंग करेगा, तब जाकर के वो एक जो बेबी कॉकरोच है वो एक अडल्ट कॉकरोच में चेंज हो पाता है। 12th मोल्टिंग जब ये कर रहे हैं बच्चों, तो इनके अंदर हमें विंग पैड्स दिखाई देंगे। बच्चों विंग पैड्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जहां से विंग्स निकलते हैं, राइट। तो 12th मोल्टिंग में विंग पैड्स तो दिखाई दे रहे हैं, बट अभी कोई विंग्स नहीं निकले हैं, विंग्स हमें सिर्फ 13th स्टेज में ही दिखाई देंगे, यानी कि फाइनल मोल्टिंग के बाद ही दिखाई देते हैं। इसलिए बोला ओनली अडल्ट फॉर्म हैज विंग्स, ओके, कोई लार्वा बच्चों इनमें नहीं दिखाई देता है, जैसे फ्रॉग के केस में तो लार्वा बनता है, यहां पे कोई लार्वा वगैरह नहीं है। इसके बाद मैंने बोला कि बच्चों ये जो फूड मटेरियल उसे कंटामिनेट कर सकते हैं, ये बहुत तरह की बैक्टीरियल डिजीज फैला सकते हैं कॉकरोच जो होते हैं, क्योंकि बच्चों गंदी जगह पे रहते हैं, अब घूमते फिरते अगर आपके फूड के ऊपर आ गए, आपकी रोटियों के ऊपर आ गई, तो पैथोजन वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा फूड खाने से आप बीमार पड़ सकते हैं, आपको डिजीज हो सकती है। तो ये बच्चों कॉकरोच हमने आज कंप्लीट कर दिया है। कॉकरोच में हमने देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने सीखा, आईज के बारे में बात की कि ओमाटीडियम इनके अंदर होते हैं, जो यू कैन से मोज़ाइक विजन लेते हैं, मतलब इमेज होती है ना टुकड़ों में होती है, 2000 ओमाटीडियम ऐसे इनके पास में होते हैं। हमने इनका नर्वस सिस्टम देखा एंड मैनी अदर थिंग्स, एक्सक्रेटरी सिस्टम में बात की, मेलपिजियन ट्यूबुल्स के बारे में, राइट, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखा कि इनके अंदर नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया है, और ट्रैकिया की ये जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग को बोला जाता है बच्चों स्पाइरेकल। हार्ट देखा हमने, देखो हार्ट के अंदर हमने टोटल 13 चैम्बर्स की बात की है, और ये जो 13 चैम्बर्स है इनको कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो मसल्स चाहिए होती है, कौन सी मसल होती है, एलआरई मसल्स होती है बच्चों, ठीक है। हार्ट न्यूरोजेनिक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या पाथवे सीखा कि जो इनका फूड होता है माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस से क्रॉप में जाएगा, और क्रॉप से जाएगा बच्चों गिजार्ड के अंदर, जहां पे फूड को क्रश किया जाएगा, क्योंकि बच्चों गिजर्ड के अंदर काइटिन के टिथ लगे हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद में मिडगट, फिर हाइंडगट, एंड फाइनली जो वेस्ट होगा वो एनस से बच्चों बाहर निकाल दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट कॉकरोच। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा पूरा, कॉकरोच बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।